पुलिस वाला बाइक वाले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोका तो उसने डंडा मार दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो पुलिस वाला किस तरह से पब्लिक से बात कर रहा है, किस तरह से पब्लिक को धमका रहा है। और पुलिस हमेशा पब्लिक की सेवा के लिए होती है, ना कि धमकाने के लिए। ये वर्दी मिलती है पब्लिक की सेवा करने के लिए। अरब देशों में नौकरी करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, इस वीडियो को देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, जितने भी गाड़ी के अंदर लोग थे वहां बाहर पड़े हैं। अब इतने में मेरे को नहीं लगता है कि ड्राइवर बसा हो, क्योंकि आगे की साइड से गाड़ी पूरी खत्म है। और जो लोग अपना कंट्री, अपना देश सब छोड़ के यहाँ काम करते हैं, और इस हालात में अगर उसकी बॉडी घर पे पहुंचती है ना, तो एक बार सोचना कि उसके परिवार के ऊपर क्या बीतती हो। ज्यादातर लोग जो काम करने आते हैं ना यहाँ पे, हो गरीब बैकग्राउंड से होते हैं, गरीब परिवारों से होते हैं, यहाँ आके 25,000 से 30,000 की नौकरी करते हैं, ड्राइवर की और अपनी बहन की। जब उस बहन ने ड्राइवर को पूछा, घर वालों ने पूछा कि घर कब आ रहे हो, तो बोला घर में कोई बड़ा फंक्शन हो तो आता हूँ। तो इतने में वक्त के साथ साथ टाइम गुजरता जाता है और अपनी बहन की शादी का टाइम नज़दीक आ जाता है। तब घर वाले उनको मैसेज करते हैं कि बेटा अब आ जा, बहन की शादी करनी है। वो बोलता है ठीक है। जब शादी तय हो जाती है तो घर वाले बोलते हैं अब जल्दी आ जा। एक साइड बहन की शादी तय थी और दूसरी साइड भाई फोन नहीं उठा रहा है। घर वाले परेशान हो रहे हैं, एक दिन परेशान हुए, दो दिन परेशान हुए, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। इधर से बहन बार बार मैसेज करती है कि अब तो भैया मेरी शादी का दिन नज़दीक आ रहा है, तुम फोन तो उठा लो, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। वो हर रोज मैसेज करती है, लेकिन अचानक तीसरे दिन उसको मैसेज मिलता है कि मैं आ रहा हूँ। तो कब आ रहे हो? बोला मैं आज ही आ रहा हूँ। तो बहन जज्बात में आके बोलती है कि वीडियो कॉल करो भैया, लेकिन भाई वीडियो कॉल कहाँ से करेगा, नहीं किया भाई ने। इतने में बड़ी हिम्मत जटा के उसके दोस्तों ने बोला कि भाई अब दुनिया में नहीं रहा और हम उनको लेके आ रहे हैं, और ये बात घर वालों किसी को मत बताना। जो भाई अपनी बहनों को, परिवार को छोड़ के यहाँ बैठे हैं, वो आसानी से इस कहानी को समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रक में आग लग जाती है और एक जेसीबी वाला बार बार मिट्टी के जरिए कोशिश करता है कि कैसे भी करके आग बुझ जाए, लेकिन दोस्तों आग बुझने का नाम नहीं लेता है और आग ज्यादा पकड़ लेती है। और उसके बाद ये गाड़ी देखते ही देखते जल के, बड़ी गाड़ी वाले ने तो ब्रेक कर दिया, लेकिन जो छोटी गाड़ी वाला था वो ब्रेक नहीं कर पाया और अंदर चला गया। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि किस तरह से दोनों गाड़ियों आपस में टकर गई। इस हालात में आप देख सकते हो कि गलती किसकी है, पुलिस का बड़ा अधिकारी बन जाता है। तो फिर आप देख सकते हो कि अपनी माँ के गले लपट के कैसे रोता है और खुशी के आंसू, और उसके बाद में माँ उसको स्टार पहनाती है। पुलिस वाला बाइक वाले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं रोका तो उसने डंडा मार दिया। लेकिन यहाँ पुलिस वाले की भी गलती है, अगर बंदे को लग गया होता तो बंदे के साथ कुछ भी हो सकता था। इसी को ही बोलते हैं दीवानिया। इस तरह का जो खेमा लगा के आराम से दरिया बसा के बैठते हैं और यहाँ पे ये पार्टी करते हैं, चाय की, गावा की, खाने की ये लोग खाते हैं, पीते हैं और ऐश मौज काटते हैं। इसी को ही बोलते हैं खेमा लगा के और दीवानिया इसी को ही बोलते हैं। घरों में काम करने वाले अक्सर लोग ऐसी को इस तरह से उतारते हैं और इस तरह को चढ़ाते हैं, लेकिन इतने में जो चिड़ी होती है वो टूट जाती है। और आप देख सकते हो कि देखते ही देखते ऐसी ऊपर से नीचे गिर जाती है और जो नीचे बंदे होते हैं वो भाग के साइड में हो जाते हैं। लेकिन नुकसान ऐसी का हुआ, लेकिन किसी और पे जो होती है वो छत के ऊपर चढ़ा देते हैं दो वर्कर, जो कि एक पर सेकंड के हिसाब से एक ही पर सेकंड में एक ईंट ऊपर पहुंच जाती है, पर सेकंड में एक ईंट ऊपर पहुंच जाती है। गजब जुगाड़ है भाई वर्करों के पास में। अरब कंट्री में काम करने वाले लोग कुछ भी